दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने फोन में 5 ऐसे फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके अपने फोन में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना होगा, उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद में बैक आ जाएंगे। दोस्तों बैक आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, दोस्तों अगर आप होटल में जाते हैं और आपको पता नहीं है कि किसी ने स्पाई कैमरा लगा रखा हो तो इसकी हेल्प से आप हिडन कैमरे को भी कैच कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग फीचर है इस एप्लीकेशन के अंदर, आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही इजिली। दोस्तों अब बात करेंगे हम सेकेंड सेटिंग की जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ हिडन एप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी वो एप्लीकेशन दिखाई देंगी जो कि आपके मोबाइल में हाइड हैं और आपके डेटा को भी चुरा सकती हैं या आपके मोबाइल को हैक भी कर सकती हैं। इस तरह के एप्लीकेशन को हिडन एप्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यही एक ऑप्शन दिया हुआ है डेंजरस ऐप परमिशन, इस पर क्लिक करके देखेंगे। अगर आपने अपने फोन में किसी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा ही परमिशन दे रखी होगी तो वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। आप चाहें तो वहां से आप एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं या फिर उसकी परमिशंस को हटा सकते हैं। दोस्तों ऐड डिटेक्टर टैब के अंदर आज आपने जो भी एप्लीकेशंस को यूज किया हुआ है वो सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट दी हुई है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उसके नीचे दिया हुआ है इंक्लूड एड्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशंस दिखाई देंगी जिन एप्लीकेशंस पर ऐड दिखाया गया है आपको और कितनी बार दिखाया गया है यहाँ पर दोस्तों दिख जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा गो क्लीन लिखा हुआ है, इस पर 2 बार ऐड आ चुका है और एक्स रिकॉर्डर है, इसमें अभी कोई ऐड नहीं आया है। ये सारी एप्लीकेशंस पर ऐड आज हमें दिखाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एप्स रन इन बैकग्राउंड, जो कि आपके फोन के बैकग्राउंड में भी ये सारे ऐप वर्क करते रहते हैं। यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसको आप यूज नहीं करते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ नंबर की सेटिंग को जो कि माय वाईफाई के नाम से है। दोस्तों ये फीचर बताएगा कि कहीं आपका मोबाइल किसी और डिवाइस से तो कनेक्ट नहीं है, आपने जिसको भी अपना वाईफाई जिसके साथ शेयर किया है उन सब को छोड़ करके अगर किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपने किसी को शेयर किया हुआ है वो भी डिवाइस की डिटेल यहाँ पर दिखेगी और आपने अगर किसी को नहीं शेयर किया हुआ है, आपका फोन हैक हो गया है, तो भी यहाँ पर सारे कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पर दिख जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की सेटिंग की जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर है एप्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बूस्टर, आप बूस्टर पर क्लिक करके अपने फोन को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेटा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को, मोबाइल और वाईफाई। यहाँ पर आपने मोबाइल से कितना डेटा यूज किया हुआ है वो डिटेल दिख जाएगी। अगर आपने कोई डेटा वाईफाई से यूज किया हुआ तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ दिखाई दे तो आप डेटा पर क्लिक करके मोबाइल डेटा यूजेज और वाईफाई डेटा यूजेज दोनों एक साथ यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों बैक आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा क्लीन, यहाँ से अपने फोन को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे यूट्यूब दिया हुआ है इसकी क्लियर वॉच हिस्ट्री, इसकी वॉच हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी और क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री इसकी डिलीट हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेस, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोसेस, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे दोस्तों जितने भी प्रोसेस आपके मोबाइल में चल रहे होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर दिख जाएंगे। आप यहाँ नीचे दिया हुआ है प्रोसेस किल, आप प्रोसेस को स्टॉप करके अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों है ना कमाल की एप्लीकेशन जिसमें एक साथ एक एप्लीकेशन के अंदर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।